सुशांत सिंह राजपूत, सोन चिड़िया, केदारनाथ और एमएस धोनी जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज को अंजाम देने वाले एक डायनामिक एक्टर, आज उनकी दुखद मृत्यु को एक साल हो गया है और आज भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हैशटैग कैंपेन्स चलाए जाते हैं, कुछ जेन्युइन फैंस के द्वारा और कुछ लोगों को जानबूझकर भड़काने के लिए, भटकाने के लिए। उधर मीडिया ने जितना स्क्रीन टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस को पिछले 5 सालों में दिया है, उतना शायद ऑपोजिशन, इकोनॉमी और कोविड को मिलाकर भी नहीं दिया होगा। पर अब एक साल हो गया है ये अक्कड़ बक्कड़ का खेल चलते हुए। पहले जस्टिस फॉर सुशांत, बन गया जस्टिस फॉर कंगना, फिर बन गया जस्टिस फॉर रिपब्लिकन अर्णब गोस्वामी। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में समझेंगे कि कैसे एक ट्रेजेडी से मिला कुछ लोगों को एक मौका अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, कुछ बेरोजगार एक्ट्रेसेस को मिला एक मौका अपनी किस्मत चमकाने के लिए। सुशांत का असली कत्ल तो उसके मृत्यु के बाद किया गया है। इस पूरे जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला और सबसे ज्यादा उल्लू किसका बनाया गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। पिछले साल यानी 2020 इसी टाइम पे कोरोना का पहला वेव पीक कर रहा था, तब सुशांत की मौत की खबर आती है 14th of June दोपहर में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है, फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, हैज कमिटेड सुसाइड, ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। काफी शॉकिंग था ये खबर, क्योंकि लॉकडाउन पर उस समय पहले ही माइग्रेंट्स रस्ते पर फंसे हुए थे, बॉलीवुड स्टार्स डलगोना कॉफी और प्रेगनेंसी के लिए हेडलाइंस बना रहे थे, और हेडलाइंस पढ़ने वाले खुद, जो सरकार से जिनको सवाल करना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। श्वेता कुछ और दो ना, मुश्किल है। सही, टिक टिक वन, टिक टिक टू। सुशांत की मौत लॉकडाउन पीड़ित जनता के लिए एक सदमे से कम नहीं था। शुरुआत में सबको लगा कि ये लॉकडाउन का ही कोई असर है, इसीलिए सुशांत ने इतना बड़ा और इतना गंभीर स्टेप लिया। ये इसलिए भी क्योंकि लॉकडाउन के पहले 3 महीने तक इंडिया में सुइसाइड नॉन कोविड डेथ्स का सबसे बड़ा कारण था, तो लोग ये बात समझ रहे थे। क्या समझा जा सकता है कि आखिरकार ऐसी कैसी नाउमीदी जिसमें घिरा हुआ था ये प्रतिभाशाली एक्टर, चेहरे पर हमेशा एक सौम्य सी मुस्कुराहट रहती थी, टैलेंट से भरपूर, जिंदगी से भरपूर, फिर इतनी निराशा, इतनी नाउमीदी क्यों सर? डेफिनेटली आई शुड टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सुशांत वाज इन डिप्रेशन। ये हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी सुइसाइड का पहला मामला भी नहीं था, पहले भी जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी जैसे सेलिब्रिटीज ने भी सुइसाइड किया हुआ था। और ये तो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही है भाई साहब, the outsider जिसने बॉलीवुड में आकर नेपोटिज्म की राजधानी में आकर अपनी जगह बनाई। जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में सुशांत सिंह राजपूत या एसएसआर का केस देश भर में टॉकिंग पॉइंट बन गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2020 में सुशांत बने देश भर में सबसे ज्यादा सर्च सेलिब्रिटी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीछे छोड़ दिया, जो इस लिस्ट में बाय द वे 2017 से विराजमान थे। इसलिए इसमें एक्चुअली हैरान होने की कोई बात नहीं है, हमारा बॉलीवुड और क्रिकेट फैसिनेशन सबको मालूम है। अरे हमारे यहां तो तैमूर के वेकेशन पिक्चर्स की डिमांड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के हिसाब से ज्यादा डिमांड में रहती है। I'm sorry, he's currently on the potty. इस पॉइंट तक किसी को भी ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ये केस आने वाले हफ्तों में देश भर में हर गली हर नुक्कड़ में कॉन्वर्सेशन का पॉइंट बन जाएगा, गॉसिप का पॉइंट बन जाएगा। बट क्रेडिट वेयर ड्यू, शुरुआती दिनों में लोगों ने मेंटल हेल्थ को डिस्कस किया, क्योंकि लोगों को लगा ये मेंटल हेल्थ इशू के वजह से ही ये अंजाम हुआ है। न्यूज चैनल ने भी हिंदू मुस्लिम कुछ दिनों तक उसको ब्रेक दिया और ट्विटर ट्रोल्स की जगह साइकोलॉजिस्ट को पैनल पर बुलाया। टुनाइट वी विल ट्राई एंड लुक एट सीरियस इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ, द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, कई मनोचिकित्सक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और देयर मस्ट बी समथिंग लाइक यू आर गोइंग और सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फ्रॉम सम टाइम, दैट्स ओनली व्हेन यू कैन कमिट सुसाइड। तो मुझे लगता है इस तरह की इंपॉर्टेंट टैलेंटेड लोगों की जान हम बचा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम भगवान तो नहीं है, बट मेंटल हेल्थ की सर्विसेज तो पूरी जानी चाहिए। न्यूज पर नफरत की जगह पहली बार अवेयरनेस की बात हो रही थी, सुइसाइड प्रिवेंशन की बात हो रही थी। भाई साहब देश के बुरे दिनों में मीडिया के अच्छे दिनों की उम्मीद जग रही थी। भाई जिस देश में ये सिखाया जाता है बॉयज डोंट क्राई, वहां एक रियलाइजेशन आ रहा था दैट हीरोज
हीरोज टू कैन ब्रेक डाउन। लेकिन अगर लोगों के हाथ में घी हो तो रोटी में नहीं आग में जरूर डालेंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम। अ किंगपिन प्रोड्यूसर इन बॉलीवुड, वी आर लर्निंग, लेड एन ऑर्गेनाइज्ड बॉयकॉट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। क्या सुशांत के सपने मर रहे थे या फिर मार दिए जा रहे थे? कुछ ही दिनों के अंदर सुइसाइड के तार नेपोटिज्म से जोड़ दिए गए। कहा गया कि सुशांत ने यह कदम, अगर सुइसाइड है, इसलिए उठाया क्योंकि वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के शिकार थे। इनफैक्ट खबर के सिर्फ दो दिनों के अंदर ही ऑनलाइन सर्चेज में नेपोटिज्म इन बॉलीवुड टर्म के सर्च रेट में 2000% इंक्रीमेंट या स्पाइक देखा गया। लोगों ने खान, जौहर और कपूर पर सुशांत को मेंटली हैरास करने का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो, यशराज फिल्म हो, संजय लीला भंसाली हो, इन सब ने स्टार के बच्चों को लॉन्च किया और इनके प्रोडक्शन हाउसेस ने। बॉलीवुड के ही लोग कहते हैं ना कि अब कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की दादागिरी चलती है। इसके बाद होता है जब अवार्ड फंक्शन होता है, चाहे वो फिल्म फेयर हो, बाकी उसमें हो, उसमें कोशिश ये होती कि जो स्टार के बच्चे लॉन्च हो रहे हैं उनको किसी ना किसी कैटेगरी में घुसाया जाए। SSR के मौत के एक महीने तक कहानी कुछ इस प्रकार तक बनी थी। सुशांत ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उन पर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वो इसलिए क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। वो सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को अपनी मूवी देखने के लिए बार बार बोल रहे थे। अब जब नेपोटिज्म की बात छिड़ी तो क्वीन ऑफ अपॉर्चुनिज्म और रानी की झांसी अगेंस्ट नेपोटिज्म, वो स्पॉटलाइट में कैसे ना आए। ये तो वैसे ही हो जाएगा ना कि रन चेस की बात हो रही है और विराट कोहली क्रीज पर ना आए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। 18 जुलाई को कंगना ने एक इंटरव्यू में जलते हुए आग में पेट्रोल डाल दिया। आई कॉल इट अ मर्डर बिकॉज आई डू फील अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 इट इज एज मच ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एज फिजिकली किलिंग वन पर्सन, यू नो। आज एक साल बाद भी जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने एक मिनट में यह बात मान ली कि नहीं भैया, मर्डर है। इन्वेस्टिगेशन गया तेल लेने। एक पार्टी को TRP, दूसरे को स्पॉटलाइट मिल गई। फिर 19 जुलाई से 31 जुलाई को देखिए कैसे केस जल्दी जल्दी एकदम बदल गया। एक्टर रिया चक्रवर्ती इज नाउ सीकिंग अ CBI प्रोब इनटू सुशांत सिंह राजपूत डेथ। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। Republic TV is going to show the first sting operation conducted as far as this entire mysterious death is concerned. Republic has stung the cook Neeraj, who was present in the house on the 14th of June. And today we have done another sting operation on Neeraj. Also tried to be in touch with him. Our SIT investigation team has also been told by agency sources he has now left Mumbai. Republic Media Network is bringing before you the testimony of a third primary source who tells us how Sushant's death is linked to Disha Salian's death. और सबसे ज्यादा बधाई का कोई पात्र है तो अरुणो है, और उसकी टीम और पूरे मीडिया के जो स्तंभ है चौथे लोकतंत्र के, आप लोग हैं। Disha was killed and Sushant knew that Disha was murdered. This is not my surmise, not my conjecture. I have dug up the call record details of Sandeep Singh tonight. Sandeep Singh se seedha sawal hai ki aapne ambulance driver ko phone kyon kiya? His team has tracked Sandeep Singh after several days of wanting to get in touch with him. He immediately tries to run away the moment he sees Republic TV crew. Main Republic se, Republic Bharat se. Sandeep ji, kuch bolenge? Sandeep ji, Sandeep ji. 16 जुलाई को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने केस पर CBI की डिमांड कर दी। वहीं सुशांत की फैमिली ने रिया पर ही FIR दर्ज कर दिया। रिपब्लिक ने ताबड़तोड़ स्टिंग्स करने शुरू कर दिए और देश को मिर्जापुर 2 से पहले ही नया क्राइम थ्रिलर मिल गया। जुलाई के लास्ट वीक में रिपब्लिक टीवी के हर डिबेट को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का नया एपिसोड लॉन्च हो रहा है 8 बजे 9 बजे। हर दिन एक नया स्टिंग, हर दिन एक नया एंगल, एक नई कंस्पिरेसी, हर दिन एक नया झूठ। कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी हवा से वैसे नहीं बनती है, यह बात हम भी मानते हैं। यहां कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन पर कंस्पिरेसी बिल्ड की जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री कम, नेपोटिज्म की दुकान ज्यादा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। कुछ बाहर के लोग को काम मिल जाता है, बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, ऑडिशन तक हाजिर नहीं होती है। इसमें भी कोई डिनायल नहीं है कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और प्रोसीजरल लैप्सेस थी। ये बात CBI ने केस टेक ओवर करते ही, ये बात अगस्त में ही पॉइंट आउट हो गई थी। काफी बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए थे। जिन लोगों को आरुषि हत्याकांड याद है, दिल्ली वाला, नोएडा वाला, वो जानते हैं कि पुलिस क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं करती है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में।
लेकिन आरुषि केस में मर्डर तो था कम से कम। यहां बात इस पर डिबेट चल रहा था कि मर्डर है या सुइसाइड है, सुइसाइड नहीं है तो मर्डर है, तो मर्डर किसने करवाया, किसके कहलाने पर करवाया, कैसे किया गया, इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में समझाते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस के लूपहोल्स ने अर्नब के टीआरपी की भूख को मिटाने में काफी हद तक मदद कर दी। अब भैया लूपहोल मिल गया तो फिर 9 बजे का शो चल गया, और फिर चंद ही दिनों में सिद्धार्थ, संदीप, ड्राइवर, मैनेजर, कुक जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया कहानी में और तड़का लगाने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा लिंक था वो था दिशा सलियान। सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा और भारती सिंह जैसी सेलिब्रिटीज का काम संभालने वाली दिशा सलियान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। दिशा सलियान सुशांत की एक टाइम मैनेजर हुआ करती थी, जिन्होंने सुशांत के मौत के कुछ ही दिन पहले अनफॉर्चुनेटली सुइसाइड कमिट किया था। आने वाले टाइम पे दिशा सलियान को सुशांत और पेंगुइन के बीच में लिंक बनाने का कोशिश किया गया, और दिशा को का डेथ जो है, जो उनके पेरेंट्स ने भी कहा था सुइसाइड है, उसे डिसप्रूव करके मर्डर बनाने की कोशिश की गई। इस वक्त तक पूरा केस एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर बन चुका था। रिपब्लिक ने पूरा टीआरपी मार्केट जैसे कब्जा कर लिया उस पर, जैसे जियो ने टेलीकॉम मार्केट पर कब्जा कर लिया था, मोनोपोली थी भाई साहब। अर्नब को अच्छे से मालूम था कि पैंडेमिक के बीच में लोगों को क्या चाहिए। अरे नहीं यार, सरकार से सवाल थोड़े ना, वो तो लूजर यूट्यूब चैनल्स करते ही रहते हैं। लोगों को चाहिए था एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें हो एम्बिशन, जिसमें हो धोखा, जिसमें हो ड्रग्स, गर्ल, स्लीज। बाकी चैनल भी समझ गया भैया, नंबर लाने हैं, नौकरी करनी है तो यही करना पड़ेगा। इसीलिए जब रात को रिपब्लिक क्राइम थ्रिलर सीरीज चला रहा था, उसी दिन के समय वो लोग अपना ये ड्रामा चला रहे थे कि सुशांत के केस में क्या क्या हो सकता था। सारे लोग एक ही ट्रैक पर, देश भर लोग यही देख रहे थे। जीत राय, और इस वक्त एक ये जो कमरा है ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल ऑटोप्सी रूम की शक्ल हमने इसको दे रखी है। सुशांत का अदृश्य डर, 13 पंडितों के साथ खौफ का इलाज, क्या ब्लैक मैजिक करती थी रिया चक्रवर्ती। Now, News 18 also spoke to Sushant's personal staff, who's now alleged that Riya Chakraborty practiced black magic. Media ने record time में ये establish कर लिया कि नहीं, suicide नहीं हो सकता है, murder ही है। एक महाराष्ट्र के politician ने करवाया है, इसमें Bollywood का बड़ा हाथ है, सुशांत के दोस्तों और उसकी बंगालन girlfriend ने ही ये काम कराया है। ये editor, ये बंगाली लोग ऐसे क्यों होते हैं हमेशा, है? Always urban naxal type. Anyways. Back to the story. सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। मैंने कहा था कि हो सकता है कि सुशांत की हत्या रिया चक्रवर्ती ने ना की हो, लेकिन रिया सुशांत की हत्या की साजिश में शामिल है, यह 100% सत्य है। सर, वो आरोपी आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सुशांत का मामला टेलर मेड भी था टीआरपी के लिए। सारे एलिमेंट्स थे, बॉलीवुड था, पैसा था, पावर, पॉलिटिक्स, सब कुछ जो बॉलीवुड मूवी में होता है वैसा हो रहा था। सेक्स, मनी, बॉलीवुड, ड्रग्स, ड्रिंक्स, पार्टीज, रेप पार्टीज। प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग था, इनजस्टिस हुआ था एक जेन्युइन हीरो के साथ, तो उसको इंसाफ दिलाने की मुहिम चल गई थी पूरे देश भर में। बस एक एलिमेंट की कमी थी, एक परफेक्ट विलन जिस पर पूरा देश अपना आक्रोश, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, तभी तो मामला आगे बढ़ेगा। एंटर रिया चक्रवर्ती। रिया काफी वजह से एक परफेक्ट विलन भी थी। उनका महेश भट्ट के साथ लिंक था, जो महेश भट्ट काफी आउटस्पोकन थे कि उनको सुशांत से दूर हो जाना चाहिए। एसएसआर फैमिली ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी। सारी सिंपथी अभी सुशांत की फैमिली के साथ थी, तो ऑब्वियसली रिया मस्ट बी गिल्टी। और सबसे आसान, रिया एक लड़की थी जिसने पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड का फायदा उठाया था। That bitch. लेकिन सबसे बड़ा रीजन था, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में उसी लड़की को गाली दो जिसकी लेफ्ट साइड में बिकनी शूट चलाई जा रही है। परफेक्ट रेसिपी फॉर मसाला एंटरटेनमेंट, जनता एकदम लपालप इसको ले रही थी। जब तक रिया के छोटे कपड़े के पिक्चर्स थे, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। और फिर स्टार्ट हुआ विछंट का सिलसिला। रिया चक्रवर्ती एक ही महीने में इंडिया की डायना बन गई थी। हर प्राइम टाइम का टिकर और हर न्यूज़पेपर का हेडलाइन सिर्फ इस बंगाली बुरी लड़की पर फोकस कर रहा था। रिया को ऐसे पीछा किया जा रहा था जैसे रिया चक्रवर्ती को रातों रात कॉन्विक्ट घोषित कर दिया गया हो, और वो एक इंसान नहीं, वो एक तमाशा है। रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती,
रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिपब्लिक पूछ रहा आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? यहां तक कि कुछ एसएसआर वॉरियर्स बिना किसी सबूत बिना किसी लॉजिक रिया को क्रिमिनल समझ बैठे, जबकि मर्डर एंगल में कुछ फैक्चुअली सब्सटेंशियल मिला नहीं था। बाद में एम्स की डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी यही बात साबित कर दी आफ्टर एन एग्जामिनेशन कि मर्डर रूल आउट किया गया है, वो सुइसाइड है। बट सीबीआई ने ऑफकोर्स क्लोजर रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। मामला इतना खराब हो गया था कि 28 अगस्त को प्रेस काउंसिल को इंटरवीन करना पड़ा और न्यूज चैनल्स को जर्नलिस्टिक नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोला गया। मतलब अरे प्लीज कुछ तो मर्यादा रखिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बॉलीवुड मर्डर मिस्ट्री को निचोड़ कर टीआरपी निकाला जा रहा था, लेकिन आप इस इशू को एक नैरेटिव को कब तक चलाओगे? क्योंकि फैक्चुअली रिया के खिलाफ कुछ था नहीं, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज रजिस्टर्ड अ पीएमएलए केस इन सुशांत सिंह्स मर्डर। मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम लगाया गया तो ईडी को कुछ नहीं मिला। 40 करोड़ रुपए लूटने का इंजाम लगाया गया तो क्रेडिट कार्ड बिल्स के अलावा और कुछ ज्यादा मिला नहीं। तो मीडिया ने लगाया नया एंगल, ड्रग एंगल ढूंढने का। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। सुशांत को ड्रग्स में इन्वॉल्व किया गया, नशे का आदी बनाया गया। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी एंड रिया ड्रग्स हर बॉयफ्रेंड पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड की किसी भी पार्टी के अंदर बिना ड्रग्स के काम नहीं चलता, ये हम सब जानते। मीडिया टीआरपी का ग्राफ जितना ऊंचा जा रहा था, शर्म का ग्राफ उतना ही नीचे। मीडिया किसी की ट्रेजेडी पर रोटियां नहीं सेक रही थी, इस बार पूरा का पूरा बारबेक्यू चलाया जा रहा था। अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर पेमेंट करने का केस दर्ज होगा। मीडिया ट्रायल इतना बुरा हो गया कि अक्टूबर के महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की, फिर भी कुछ हुआ नहीं। कोर्ट की भी कोई नहीं सुनता है टीआरपी के सामने। तीन प्रकार के लोगों ने फायदा उठाया सुशांत के मौत का। मीडिया टीआरपी कमा रही थी, कुछ फेल्ड जॉबलेस एक्टर्स अपना एजेंडा चला रहे थे। सुशांत बिहार से बिलोंग करता था और बिहार में इलेक्शंस करीब थे, तो पॉलिटिशियंस वो कहां पीछे हटने वाले थे। बीजेपी ने सुशांत के मौत को कैपिटलाइज करने के लिए वोट मांगने भी शुरू कर दिए। 80,000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स बनाए गए मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए विद ट्वीट्स लाइक जस्टिस फॉर सुशांत एंड एसएसआर। करीब 8,000 बीजेपी एंड कांग्रेस पॉलिटिशियंस ने केस पर 1,00,000 से ज्यादा ट्वीट भी किए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक स्टडी में यह पता लगाया कि राइट विंग पॉलिटिशियंस और मीडिया हाउसेज ने जानबूझकर सुइसाइड नहीं बल्कि मर्डर शब्द का उपयोग किया सोशल मीडिया पर। मामला पूरा पॉलिटिकल हो चुका था और दुख की बात यह है कि फैंस अभी भी सोच रहे थे कि एक्चुअली जस्टिस की मांग हो रही है, एसएसआर के लिए लड़ाई चल रही है, पर्सनल एजेंडा नहीं है। जब जंगल में हाथी मरता है ना तो जानते क्या होता है, सारे जानवर अपना अपना हिस्सा लेने आते हैं। पहले आता है शेर, फिर आता है जैकल, फिर आता है गिद्ध। शव को तब तक नोच नोच कर खत्म किया जाता है जब तक कुछ बचता नहीं है। मीडिया टीआरपी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कुछ चिंटू पिंटू लॉयर्स यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं रात भर, टीवी पैनल्स पर जाकर बैठ रहे, फिर सब अपना अपना हिस्सा ले रहे थे। फर्क बस इतना था कि शरीर नहीं आत्मा को नोचा जा रहा था। सुशांत की असली हत्या उनके गुजरने के बाद हुई है और उनका इस्तेमाल रिया ने नहीं किया है, इन सब लोगों ने किया है। व्हाट्सएप चैट्स प्राइम टाइम पर दिखाए जा रहे हैं, फेक ट्वीट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, न्यूज चैनल्स ने सारे जर्नलिस्टिक नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी। पर एक इंसान जिसने इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा काम किया और उसको एक्सप्लॉइट किया और मुनाफा कमाया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिच जाते हो। Everybody knows that I gave the biggest blockbuster any girl has ever given.
I signed 19 brands. I think that was the maximum for any girl ever had. So just like 2 days ago, when I was just a beautiful girl being persuaded by many men, suddenly I see that maybe marriage is not an option for my life. And when he saw my footage from Gangster, he just went crazy. He's like, oh, you're so good, you're so good. He wanted me in every film. Uddhav Thackeray, tujhe kya lagta hai? Ki tune film mafia ke saath milke mera ghar tod ke mujhse bahut bada badla liya hai. Aaj mera ghar toota hai, kal tera ghamand tootega. और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी. आज मैंने महसूस किया है 5 प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को. ये देखिए सीआरपीएफ का घेरा किस तरीके से कंगना रनौत के साथ चल रहा है. सुशांत की मौत को कंगना ने महीनों तक भुना, कभी नेपोटिज्म की आड़ में, कभी महाराष्ट्र सरकार से लड़ाई में, सोशल मीडिया फॉलोअर से लेकर वाई प्लस सिक्योरिटी तक सब कुछ कमाया कंगना ने. आज देश में कोई भी कंट्रोवर्सी बिना कंगना के स्टेटमेंट खत्म नहीं होता है, यह शुरू नहीं होती है. लॉजिक हो ना हो, इनकी बातों में हेट जरूर होता है और लोग खूब मानते हैं. इस फिनोमेना के बारे में हमने आपको इस एपिसोड में काफी डिटेल में बता दिया था कि कैसे जस्टिस फॉर सुशांत बन गया जस्टिस फॉर कंगना, वो देख लीजिएगा. मीनवाइल इस सब के बीच पब्लिक को असली मुद्दों से पूरी तरीके से भटका दिया गया था. याद है फार्मर बिल्स? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है कि इष्करण भंडारी, जिसने एसएसआर केस पर 100 से भी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऐड किए, वो एक्चुअली कंगना के भी लॉयर हैं. एक और ऐसा ही केस है विभोर आनंद का. इष्करण की तरह वो भी एक लॉयर. विभोर आनंद का काम ट्विटर पर डिसेंटर्स को लीगली हैरास करना था. एसएसआर मामले में इन्होंने बहुत फेक कंस्पिरेसीज प्रोपोगेट की, जिसके बाद फेक न्यूज के मामले में इन्हें अरेस्ट भी किया गया. बाद में यही विभोर आनंद ने यह भी क्लेम किया कि वो तो इनोसेंट है, रिपब्लिक भारत से वो इन्फ्लुएंस हो गए थे. पर ये फेसबुक के कीबोर्ड योद्धा कम कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट न्यूज टीवी चैनल के सोर्स थे और पैनलिस्ट भी थे. लाखों लोग इनकी बातों में आए, इनकी इन्वेस्टिगेशंस को सच मान बैठे. एक फैक्टर जिसने पूरे मामले को लगभग 4 महीने तक घसीटा था द वर्ड कंस्पिरेसी. हर हफ्ते एक नई कंस्पिरेसी आ जाती थी. सुशांत पर बेल्ट से असॉल्ट किया गया था, सुशांत को बेल्ट से लटकाया गया था, दिशा की सुइसाइड लिंक क्या है, क्या दिशा की सुइसाइड सुइसाइड थी या नहीं, हाउस हेल्प का क्या हाथ है, बॉडीगार्ड पर स्टिंग किया गया, बॉलीवुड इन्वॉल्व जरूर है, दुबई ड्रंग एंगल क्या है, किसने सुपारी दी थी, वगैरह वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, रिपब्लिक के इंटरव्यू में रिया के पड़ोसी ने बोला कि 13 जून यानी सुइसाइड से एक दिन पहले रिया सुशांत से मिली. अब बात सीबीआई तक पहुंची तो सीबीआई ने जब पूछताछ की उसी पड़ोसी से तो पड़ोसी मुकर गई. लेकिन जनता को तो पहली स्टोरी मालूम है, मुकरने वाली स्टोरी नहीं मालूम है. कंस्पिरेसी का काम यही होता है, आपके दिमाग में इतने पॉइंट्स डाल दो, इतने एंगल डाल दो कि आप कन्विंस हो जाओ कि भाई सुइसाइड तो हो ही नहीं सकता है, मर्डर ही है. क्लेम्स कितनी फैक्चुअल हैं या नहीं ये सोशल मीडिया पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि फैक्ट्स फॉरवर्ड करने में मजा कहां. कंस्पिरेसी थ्योरी टेलरमेड होती है, आपको चुलबुला देती है, आपको इंक्विजिटिव कर देती है और फॉरवर्ड बटन दबाने के लिए मजबूर कर देती है. Do you remember how you died? और कोरोना को लेकर कोई गॉसिप करता है क्या, कोई फॉरवर्ड करता है क्या? इसीलिए हर घर में सुशांत को लेकर आज भी कंस्पिरेसी थ्योरी मौजूद है. अब चाहे एम्स रिपोर्ट दे दे, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर ले, या फिर कल मान लीजिए सीबीआई भी कह देती है कि नहीं ये मर्डर नहीं था, लोग थोड़े ही ना मानने वाले हैं. तो सारे मामले के बाद जब सब कुछ हो चुका है, हमें ये चीजें पता हैं. सीबीआई को एंड तक कुछ खास सब्सटेंशियल मिला तो नहीं है अभी 1 साल होने के बाद, हालांकि वो ऑफिशियली केस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. ईडी को रिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, ना 40 करोड़ हड़पने का इंसान. नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कोई खतरनाक ड्रग्स तो नहीं मिले, 50 ग्राम गांजा जरूर मिला जो हर दूसरे कॉलेज हॉस्टल में आपको मिल जाता है. कुछ टाइम पहले तक इंडिया में गांजा को ड्रग भी नहीं माना जाता था. एम्स रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि सुइसाइड था, लेकिन उसको अभी अलग रख दीजिए. 80,000 फेक अकाउंट्स बनाए गए थे एसएसआर पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए. रिया को बेल मिली, कंगना को पॉलिटिकल लीवरेज मिला, कुछ लॉयर्स का यूट्यूब करियर बन गया, एक पुलिस वाले का पॉलिटिकल करियर बनते बनते रह गया,
मीडिया को छप्पड़ फाड़ टीआरपी मिली, उनका काम तो हो गया, पैसे कमा लिए, जनता का क्या है, उनका फिर से पब्लू बन गया। जो बात एक सेलिब्रिटी सुइसाइड से शुरू हुई थी वो बात इंटरनेशनल ड्रग माफिया और कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक पहुंच गई। एसएसआर केस ने काफी लंबा डिस्टेंस कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। लेकिन यह बात आपको भी सोचना चाहिए कि आप कितने आसानी से बहकावे में आ जाते हो और क्या क्या मान लेते हो। फिलहाल गोदी मीडिया टीआरपी नहीं सरकार से जेब भर रही है, कंगना टैक्स नहीं भर रही है, रिया का करियर बर्बाद हो चुका है, सिद्धार्थ को एनसीबी ने 14 दिन की कस्टडी में डाल दिया है और पिछले साल इस वक्त जो देश का सबसे गर्मा गर्म मामला था, खबर था, वो इस साल ठंडे बस्ते में चली गई है। तो किसी को टीआरपी मिली, किसी को प्रमोशन मिला, किसी को सब्सक्राइबर मिले, किसी को पॉलिटिकल माइलेज मिला, किसी को क्लाउट मिला। तो सवाल ये उठता है कि जेन्युइन एसएसआर फैन को क्या मिला? सीबीआई रिपोर्ट आने से पहले सोचिए, क्योंकि इस पूरे जस्टिस फॉर एसएसआर मामले में बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। कुछ एसएसआर फैंस को यह बात समझ में आ गई कि उनका फायदा उठाया गया है, कुछ अभी भी इंटरनेट पर हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस को गाली दे रहे थे, फिर एम्स के डॉक्टर को गाली देते हैं, आजकल सीबीआई से पूछताछ कर रहे हैं कि सुशांत के मामले में एक साल होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन पूरी क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, सोचिए आप। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। मुझे मालूम है अब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि अरे तुम भी तो टीआरपी ले रहे हो, तुम भी तो सब्सक्राइबर ले रहे हो, तुम भी तो व्यूज ले रहे हो। यार इतना लंबा वीडियो नहीं बना रहा होता अगर व्यूज लेने होते। और एक और कंस्पिरेसी थ्योरी, वन ईयर आफ्टर सुशांत हम भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर देते हैं। भाई साहब मैं गारंटी बोल सकता हूं कि ज्यादा व्यूज आते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आसान तरीका होता है कंस्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर दो, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता है। मुश्किल काम यह होता है जो हमने इस एपिसोड में करने की कोशिश की, कि आपको याद दिलाएं कि कैसे 3 से 4 महीने हमें कैसे गुमराह किया गया था और हम क्या क्या नहीं मान बैठे थे। अगर हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करिएगा, नहीं पसंद आया तब भी करिएगा। लेकिन थैंक्स टू आर अल्टीमेट देशभक्त एंड थैंक्स टू ऑल आर मेंबर्स, जिनकी वजह से हम ऐसे एपिसोड बना सकते हैं जो यूट्यूब शायद डिमोनेटाइज भी कर दे, लेकिन ऐसे एपिसोड्स हम अपने मेंबर्स के वजह से ही बना सकते हैं। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग अस एज अ मेंबर ऑन patreon.com/thedeshbhakt और बाय क्लिकिंग द ज्वाइन बटन। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।